Challenges makes you tough. और ये कौन डिनाई करेगा दैट 2020 इटसेल्फ वाज अ ह्यूज चैलेंज. और अगर आपने इस चैलेंज को फेस किया है तो इस चैलेंज ने आपको भी टफ किया है. 2020 में बहुत लोगों ने अपने अंदर के काबिलियत को समझा, बहुत लोगों ने कुछ नया तो कुछ अच्छा करने का प्रयास किया. 2020 ने इस दुनिया को बहुत कुछ सिखाया और वो सभी सीख हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए छपे रहेंगे. बहुत लोग 2020 को एक बुरे साल की तरह देखते हैं और शायद वो है भी, लेकिन इसी साल ने एक अच्छी चीज भी की है. वो है बहुत लोगों को एक चीज के बारे में अवेयर किया है, या और शायद आप सभी लोग उस चीज को पहले से जानते थे या शायद समझते थे, लेकिन आप उस चीज को अपनाना नहीं चाहते थे. लेकिन 2020 ने आपको उस चीज को अपनाना भी सिखा दिया, और वो चीज है फिटनेस. 2020 ने बहुत लोगों को इम्यूनिटी के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, फिटनेस के बारे में अवेयर किया है. सो देयर वाज अ ह्यूज शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्थ इन 2020. ये गिफ्ट है 2020 का हम सभी ह्यूमंस के लिए. सो वी शुड प्रिजर्व दिस गिफ्ट, यानी वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल. बहुत लोगों ने 2020 में वर्कआउट शुरू किया. By workouts, I mean some intense home workouts. But they are not continuing it for this year, that is 2021. लेकिन होना क्या चाहिए था? आपको इस 2020 से मिले हुए गिफ्ट को अपना कर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए था. But people just took it for immunity purpose for that particular time, neglecting that it's a journey of lifetime. क्योंकि इस 2020 ने सिखाए हुए चीज से, दैट इज फिटनेस, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो. दैट इज फिटनेस टीचेस यू डिसिप्लिन. डिसिप्लिन होता क्या है? अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. और फिटनेस क्या है? हर रोज कुछ सेट्स और रेपिटेशंस परफॉर्म करना, यानी वो रिक्वायर्ड एफर्ट्स लेना टू ब्रेक डाउन योर मसल फाइबर्स टू ग्रो मोर मसल्स, और else वो required cardio करना to get towards the targeted weight in your weight loss journey. So take a look. Discipline is doing what is required, and fitness teaches you the same, doing what is required. Fitness even teaches you a never give up attitude. Every single day जब आप जिम जाते हो, you work on a muscle part, okay? And you know कि उस मसल पार्ट को वर्क करने के बावजूद इट्स गोना टेक टाइम. आपको क्विक रिजल्ट्स या इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाले, फिर भी आप उसी मसल पार्ट को एवरी वीक वंस और ट्वाइस ट्रेन करते हो, नोइंग दैट इट विल टेक सम टाइम, बट यू विल स्टिल ग्राइंड एवरी सिंगल डे फॉर इट. दैट्स व्हाट फिटनेस टीचेस यू. फिटनेस इवन टीचेस यू फोकस, एंड यू विल से हाउ, लेट मी एक्सप्लेन. हर बार जब आप बाइसेप डंबल कर्ल करते हो, यू फोकस ऑन योर बाइसेप मसल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल एंड माइंड कनेक्शन. ओके, यू कैन इवन कनेक्ट दिस इफ यू आर ट्रेनिंग बॉडी वेट वर्कआउट. ओके, आप बॉडी वेट वर्कआउट अगर करते हो, ओके, और बॉडी वेट वर्कआउट के दौरान जब आप चिन अप करते हो, यू स्टिल फोकस ऑन योर बाइसेप टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मसल एंड माइंड कनेक्शन. That's what fitness teaches you, a pure focus. तो fitness आपको life की हर वो teaching देता है जिसकी आपको successful होने के लिए जरूरत है. तो देरी किस बात की, शुरू करो आपकी fitness journey. Not only physical fitness, but also mental fitness. So let's enter the road of muscle and mind transformation. For online consulting regarding weight loss or some gains, email me at vishalkesarkar182@gmail.com, or you can even DM me
at Muscle and Mind. And one more thing, if anyone says you that 2020 has done only bad and no good, you know what you have to do. Yes, just punch them on their right cheek. That's it for today's video.